भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहुंच जाता है। वहां पर उसे एजेंट मिलता है और बोलता है मैं आपका नया एजेंट हूँ। और तभी एजेंट और यी की मुलाकात होती है और यी बड़ा खुश होता है। और तभी एजेंट बोलता है कि अब से हम साथ मिलकर काम करेंगे। यी बोलता है ठीक है मैं भी हार्ड वर्क करूंगा। और वो पूछता है एजेंट कि ये आपकी क्या नई असिस्टेंट है जो आपके पीछे खड़ी है। तो यी बोलता है नहीं, लेकिन वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है और सोचता है कि वो अपनी जो ये खुशी है वो सबसे पहले सीईओ के साथ शेयर करेगा। लेकिन फिर सोचता है कि मैं सीईओ को कैसे मैसेज करूं, उसे शायद बुरा लगेगा। और तभी ये मिस्टर ली जो होते हैं वो सोचते हैं कि अब क्या होगा आगे, मजा आएगा। और वो सोचते हैं कि किसी भी तरह ली को ऊपर ऊंचाइयों पे उठाना जरूरी है। और सीईओ देखता है कि बाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने ली को साइन किया है। यी जब उसे टेक्स्ट करके मैसेज में बताता है तो कुछ खास रिस्पांस नहीं आता। यी सोचता है कि सीईओ जो है उसने उसे ज्यादा खुशी नहीं हुई उसके बारे में जान के। और ये भी सोचता है कि उसे इतनी खुशी क्यों नहीं हुई और थोड़ा उदासा हो रहा होता है। तभी रूरू पूछता है कि यी तुम्हें तो खुश होना चाहिए लेकिन तुम खुश नहीं दिख रहे हो। तो यी बोलता है नहीं मैं बहुत खुश हूँ करके, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ सीईओ जो है वो फोन पे बात कर रहा होता है और पता लगाता है कि भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने कैसे ई को हायर किया। तो सीईओ जब भाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सीईओ को फोन करता है तो उससे पता चलता है कि कैसे ई को हायर किया गया। मोमो बोलता है कि अब ई मेरे कंट्रोल में है और अब मैं ही उसका सब कुछ देखूंगा, तो अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोमो ये भी बताता है कि उसने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है उसे इस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी में लाने के लिए, क्योंकि जो ऑरेंज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी वही उनको बहुत ही ज्यादा परेशान करती थी और उसे ये बात पता भी नहीं थी। उमो बोलता है कि अब तुम्हारा बॉयफ्रेंड मेरे साथ सेफ है। सीओ सोचता है मेरा बॉयफ्रेंड? सीओ आगे कुछ कहता नहीं है, सिर्फ अपना गला साफ करता है और बोलता है हाँ वाकई में ही जो है वो बहुत हार्ड वर्किंग है, वो अच्छे से मेहनत करेगा। दूसरी तरफ यी और पिंक हेयर वाली जो गर्ल थी मिस जैंग, वो दोनों बाई कंपनी एंटरटेनमेंट में पहुंच जाते हैं। यी को मिस्टर लिन दिखाई देते हैं और वो उसे हाय बोलता है। हाय बोलने के बाद मिस्टर लिन के साथ उसकी बात होती है और वो बताता है कि मेरा नया एजेंट कौन है। तभी बहुत सारे लोग देखते हैं और बोलते हैं कि क्या ये हमारी कंपनी का नया एक्टर है। और तभी उसे मिस्टर लिन अब उसके एजेंट को बुलाते हैं और उसे एक स्क्रिप्ट देते हैं। एजेंट सोचता है कि ये स्क्रिप्ट में वो बहुत मेहनत करेगा और यी को ऊपर उठाएगा। दूसरी तरफ रूरू के पास जिंगल बेल करके रिंगटोन आ रहा होता है। रूरू अपनी घड़ी में देखता है तो उसका रिंगटोन तुरंत बजता ही चला जाता है। रूरू अपने टीचर से पूछता है कि टीचर क्या ये कॉल मैं उठा लूं? टीचर बोलता है ओके। तभी रूरू बोलता है हेलो और बताता है कि वो रूरू बोल रहा है और पूछता है आप कौन बोल रहे हो। दूसरी तरफ से मुमू बोलता है कि मैं मुमू बोल रहा हूँ, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तभी रूरू बोलता है कि ठीक है तुम मुझसे मिलने आ सकते हो और मेरे लिए केक भी लेके आना। और साथ में ये भी बताता है कि जब तुम केक लेके आओगे तो ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, तुम्हें ये सीक्रेट रखना होगा क्योंकि यही जो है मुझे ज्यादा केक नहीं खाने देता है। और तुम आओ ये तो मुझे बताना। टीचर क्यूटनेस में बेहोश ही हो जाता है। और दूसरी तरफ यही सोचता है कि उसे स्पेस ट्रेवल नाम की स्क्रिप्ट मिल गई है और अब वो मन लगा के उसमें काम करेगा। दूसरी तरफ ये सोचता है कि उसे स्क्रिप्ट की बुक मिल गई है लेकिन उसे कोई भी हैप्पीनेस नहीं हो रही है, तो उसे ये हैप्पीनेस क्यों नहीं हो रही है? फिर सोचता है कि उसे कुछ ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, उसे किसी भी तरह फोकस करना चाहिए काम पे। दूसरी तरफ दिखाते कि रात हो चुकी है और वो अपने घर जाने की तैयारी में। जब वो घर पहुंचता है तो वहां पर वो मिस्टर लिन को देखता है कि वो खाना सर्व कर रहे हैं। मिस्टर लिन और यी दोनों टेबल पे बैठते हैं और बात करते हैं। ये बताता है कि मुझे हैप्पी होना चाहिए लेकिन मैं हैप्पी नहीं हूँ। फिर रूरू आता है और वो उसे बताता है कि अभी तक प्लैनेट जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया गया है। ये अपनी स्किल को रूरू के साथ डिस्कस करता है और बोलता है कि क्या करें यदि प्लैनेट को डिस्कवर नहीं किया गया है अभी तक, तो मैं कैसे रिहर्सल करूँ? तो रूरू के साथ वो अपनी रिहर्सल करने पे सोचता है लेकिन रूरू तो फिर अपनी ही धुन में होता है और वो बोलता है कि तुम हमेशा की तरह लकी होगे, तुम चिंता मत करो। तभी ये सोचता है कि आखिरकार मैं रूरू के साथ अपनी स्क्रिप्ट डिस्कस भी क्यों कर रहा हूँ। तभी उसको फोन आता है और वो देखता है कि फोन सीईओ ने किया है। फोन का जवाब दिए बिना वो रूरू को बोलता है कि सोने का टाइम हो गया, अब हमें सोने चलना चाहिए।
रूरू को वो सुलाता है और रूरू काफी गहरी नींद में सो जाता है। तभी वो बाहर निकलता है और सीईओ को मैसेज करता है कि रूरू सो चुका है, और सीईओ उस मैसेज को पढ़ता है और साथ में ये भी लिखता है, क्या तुम आज घर जल्दी आओगे। अब ये सोच रहा होता है कि वो रिहर्सल क्या सीईओ के साथ करे कि आईने में देख के रिहर्सल करे। ये काम पे चला जाता है और रूरू सोचता है कि अब वो क्या करे, और तभी मोमू और रूरू गेम्स खेलने लगते हैं। रूरू बोलता है कि ये बहुत ही बिजी हो गया और अब उसके पास टाइम नहीं है उसके लिए। तभी मोमू बताता है कि एडल्ट्स को काम करना पड़ता है। तभी वो बोलता है मोमू कि मैं बॉस हूँ इसलिए मैं हमेशा फ्री रहता हूँ। तो रूरू बोलता है कि बॉस हो इसलिए फ्री रहते हो ये तो अच्छी बात है। इन दोनों की बात को सुन के सर्वेंट्स जो बाजू में खड़े होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं, और रूरू पूछ बताता है कि मोमू तुम जानते हो मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ। मोमू को जब ये पता चलता है कि रूरू उसे पसंद करता है तो मानो उसके दिल पे एक तीर सा लग जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे क्यों पसंद करते हो। रूरू बोलता है मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ क्योंकि तुम हमेशा शाइन करते रहते हो। तो मोमू पूछता है मैं शाइन करते रहता हूँ मतलब कैसे। तो रूरू बोलता है आखिरकार तुम कैसे इतना शाइन करते हो। मोमू सोचता है कि वो इतने सारे ज्वेलरी पहनता है शायद इसलिए वो शाइन करता है। तो वो अपने फिंगर में से रिंग निकालता है और रूरू को दिखाता है और बोलता है शायद इसलिए मैं इतना शाइन करता हूँ। तो रूरू बोलता है कि यदि इस रिंग को निकाल दोगे तो क्या तुम शाइन नहीं करोगे। मोमू अपना हाथ आगे बढ़ाता है और रूरू को अपनी अंगूठी दिखाता है। रूरू अंगूठी को देख के बोलता है कि वो कितनी सुंदर है। रूरू मोमू को बोलता है कि वो कितना सुंदर लग रहा है, और तभी मोमू सोचता है कि क्या रूरू उसे कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और कह रहा है कि वो सुंदर है। रूरू शाइन करने वाली चीज को ग्रैब करने की कोशिश करता है लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं आता, और वो सोचता है कि वो आखिरकार उस शाइन करने वाली चीज को पकड़ क्यों नहीं पा रहा है। मोमू देखता है कि रूरू किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, तो रूरू के साथ वो भी उस चीज को पकड़ने की ढेर सारी कोशिशें करता है। दूसरी तरफ ट्रेनर यी के कंधे दबाता है और बोलता है कि उसे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और बोलता है कि जरा इजी होके एक्सरसाइज करो तुम्हें काफी एक्सरसाइज करनी है। दोनों मिलके एक्सरसाइज करते हैं लेकिन यी को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी महसूस होती है, और यी बाद में बोलता है कि उसे थोड़ा सा रेस्ट लेने दो। और उसके बाद वो सोचता है कि उसे काफी मेहनत करना है जिससे उसे अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने में आसानी हो।